बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर पसंद आए तो शेयर करें। यहाँ पे मैंने रवाज यूके की पेंसिल से अपनी आईब्रो फिल की है और एक स्पूली या ब्रश लेके इसे अच्छी तरह से मैंने ब्रश कर लिया है ताकि मेरा जो प्रोडक्ट लगा है सारा अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। उसके बाद यहाँ पर मैंने मैक का कंसीलर ले कर अपनी आईब्रो को अच्छी तरह से डिफाइन किया है, देख रहे हैं आप। ये साथ वालों के घर में काम स्टार्ट हुआ है इस वजह से शोर बहुत आ रहा है, इग्नोर करिएगा। यहाँ पे मैंने उदा ब्यूटी का एक छोटू सा ब्लेंडर लेके इसको अच्छी तरह से डैब डैब करते हुए मैंने ब्लेंड कर लिया कंसीलर को। आहिस्ता आहिस्ता से ब्लेंड करती जाऊँगी हल्के हाथ से, ये नहीं कि मिटा ही देना है, बस ऐसे जैसे हवा में चला रहे हैं। यहाँ पे मैंने अपनी आईब्रो अच्छी तरह से डिफाइन कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने कंसीलर लिड पे लगा लिया है ताकि मैंने जो शेड्स अप्लाई करने हैं वो खुल के सामने आए, मतलब वाजिया तौर पे नज़र आ सके। इसको अच्छी तरह से लगा लिया और इसको मैंने मेकअप पाउडर के साथ ही सेट कर लिया है। मैं यहाँ पर दिखाना भूल गई थी इसलिए आपको बता दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्कॉच टेप ली है क्योंकि मैंने आज कट क्रीज बनानी थी तो इसलिए मैंने स्कॉच टेप अप्लाई की और फ्लफ़ी ब्रश लेके हुदा ब्यूटी की मिनी पैलेट से मैंने येलो कलर को पिक किया है और इसको आहिस्ता आहिस्ता से लगाऊंगी, लगाते हुए अपनी आँख की बाहर की तरफ से ले जाऊँगी। एक्चुअली यहाँ पर छोटा ब्रश यूज़ होना था लेकिन मैंने बड़ा ब्रश यूज़ किया है। अगर आपके पास छोटा है तो आप छोटा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लॉकडाउन चल रहे हैं इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकती थी और मेरा दूसरा छोटा ब्रश मिल नहीं रहा था। उसके बाद मैंने ये पैलेट है माइक्रो पैलेट से मैंने लिया है लाइट गोल्ड कलर, लाइट मैरून कलर, उसको लगाते हुए अच्छी तरह से ब्लेंड करते हुए आउटर कॉर्नर की तरफ बाहर उठा देना है, यानी बाहर की तरफ निकाल देना है और फिर इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड पे 10-15 मिनट अगर आप टाइम लगा लें तो आइज़ लुक अच्छा क्रिएट हो जाता है। उसके बाद मैंने उसी पैलेट में से डार्क मैरून कलर पिक किया और इसको अच्छी तरह से लगा दिया है और उठाते हुए बाहर की तरफ लेके जा रही हूँ। और इसको अच्छी तरह से मैं साथ ब्लेंड आउट भी करती जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने रिवाज यूके की पेंसिल ली है ब्लैक और जैसे आईलाइनर की लाइन क्रिएट करते हैं वैसे ही मैंने एक लाइन क्रिएट की है और मुझे आउटर कॉर्नर पे मैंने वी बना दिया है। ज़्यादा वी नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा वी बनाऊँगी और इसको फिल करती जाऊँगी। बाद में इसे ब्रश के साथ भी इसको मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है ताकि कोई भी मतलब अजीब सी लुक ना क्रिएट हो। उसके बाद मैंने ये मैक का छोटा सा ब्रश उठाया, छोटू सा फ्लफी ब्रश उठाया और इसको अच्छी तरह से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करते हुए इसको आगे की तरफ लेके जाना है। उसके बाद मैंने हुदा ब्यूटी की पैलेट से मैंने ये नेवी ब्लू कलर पिक किया है और इसको अच्छी तरह से अपनी ग्रीस पर लगाना है। अच्छी तरह लगाऊंगी मैं इसको। पहले मैंने इसकी लाइट सी बेस रखनी है। ये देखें मैंने दोबारा से वो कलर पिक किया लेकिन मुझे मतलब ये लुक क्रिएट इस कलर से लुक क्रिएट नहीं करनी थी, मैंने और भी मतलब कलर मुझे ज़्यादा पिगमेंट वाला आई शेडो चाहिए था यहाँ पे, तो इसलिए फिर मैंने दोबारा से गोल्ड वालों का आई शेडो पिक किया और वो लगाया इसकी जगह पर। यहाँ पर मैंने कंसीलर पिक किया और कंसीलर को अपनी लिड वाले हिस्से पर लगाते हुए बाहर की तरफ ले जाऊंगी। गाइज अगर आपसे मतलब कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए परेशान नहीं होना, हर चीज़ का कोई ना कोई हल होता है, आप डिस्कस कर लिया करें। एक दो बार कोशिश करने से आप अच्छी तरह से मतलब ये जो मैंने आई लुक कंप्लीट किया है ये कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर गोल्ड वालों का आई शेडो उठाया है और इसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता से इस पर डैब डैब करते हुए लगा दिया है।
अभी मैंने इसके ऊपर ग्लिटर अप्लाई करना है, अभी तो मैंने इसके सिर्फ बेस दी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्कॉच टेप रिमूव कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ग्लिटर अप्लाई करूँगी। ये लोकल मार्केट से मैंने ख़रीदा था 100 कुछ रुपीस का, नाम नहीं ऊपर लिखा हुआ था ब्रांड। यहाँ पे मैंने जहाँ पे मैंने कंसीलर को यूज़ किया वहाँ पे इस्तेमाल करूँगी मैं ये ग्लिटर। आपने ग्लिटर एकदम से ज़्यादा नहीं ले लेना, एकदम से इसको निकालना है और इसको साफ़ करने के बाद ग्रीस पे अप्लाई करना है। आहिस्ता आहिस्ता से इसको लगाना है। मैंने यहाँ पे स्लो कर दी ताकि ये वाला हिस्सा जो लोग होते हैं वो कट करते हैं, मैंने नहीं कट किया। उसके बाद मैंने क्रिस्टेन का आईलाइनर लिया और जहाँ पे मैंने आईलाइनर विंग बनाया था वहाँ पे मैं इसको डार्क करके लगाऊंगी। यानी ये देखें, इसको इस तरह से मैंने लाइन क्रिएट की और इसको आहिस्ता से फिल कर लूँगी ताकि जो मेरी आउटर कॉर्नर है वो अच्छी तरह से मतलब क्लीन और अच्छा लगे। देख रहे हैं आप। उसके बाद यहाँ पे मैंने ग्लिटर अप्लाई किए हैं, मिस रोज़ के ग्लिटर थे मेरे ख्याल से, वो ग्लिटर अप्लाई किया। पहले ग्लिटर ग्लू इस्तेमाल करने के बाद उसके बाद मैंने ग्लिटर लगाया। उसके बाद मैं उसी पैलेट में से मार्फियो पैलेट से मैंने ये सिल्वर कलर उठा के इनर कॉर्नर पर लगाया और इसी से ही मैं अपनी जो आईब्रो हाईलाइट करते हैं उसी के साथ हाईलाइट कर लूँगी। देखें इस काजल के साथ कितनी लुक अच्छी लग रही है। उसके बाद फिर मैंने वही कलर उठाया गोल्ड वालों का और मैंने अपनी आईज़ के नीचे लगाते हुए इसको अच्छी तरह से ब्लेंड आउट कर लिया है। उसके बाद मैंने सिल्वर ग्लिटर मिस रोज़ का ही था उसको उठाया और अपने इनर कॉर्नर और आईब्रो की हाईलाइट वाले हिस्से को हाईलाइट किया उसी से। उसके बाद मैंने ये हुदा ब्यूटी की जंबो पेंसिल वाइट है इसको अप्लाई किया है। पता नहीं मेरे आंखों में वाइट पेंसिल क्यों नहीं लगती, लेकिन मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैंने ये अप्लाई की है। अगर आपके पास है तो इस्तेमाल कर लें, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं आप। उसके बाद मैंने यहाँ पे मस्कारा लिया, ये मैंने अमेरिका में से मस्कारा लिया था, मुझे याद नहीं है कि मैंने कितने का और कौन सी ब्रांड का लिया था। मेरे ख्याल से मैक का लिया था मैंने। ये मैंने इसको अच्छी तरह से लगा लिया है मस्कारे को, क्योंकि मैंने फेक लैशेज़ अप्लाई करने हैं। यहाँ पे मैंने फेक लैशेज इस्तेमाल कर ली हैं और मेरी लुक देखें कितनी अच्छी लग रही है। अब मुझे इजाज़त दे, अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और छोटी से छोटी गलतियों को इग्नोर करें। लाइटिंग का इशू है थोड़ा सा, वो भी इंशाल्लाह जल्दी ही हल हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरी लुक देखें कितनी अच्छी लग रही है। मुझे लेंस अप्लाई करना मतलब अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने अप्लाई नहीं किया। उसके बाद मेरी आंखें भी रेड हो गई थी मैंने अप्लाई किए थे। अब मुझे इजाज़त दे अल्लाह।